एवरीवन, अगर आपको इडली खाना पसंद है तो आप इस रेसिपी को कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा कप सूजी। इस कप से हम 3/4 भाग दही ले लेंगे, या आधा कप दही भी ले सकते हैं। आधा कप पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इन्हें अब अच्छे से मिला लेंगे। अब इन्हें ढक कर रख देना है हमें 10 से 15 मिनट। अब ये जब तक रेस्ट कर रहा है तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 छोटा कप डाला है मैंने मूंगफली, इसे 2 मिनट तक भुनेंगे। 2 मिनट के बाद इसके अंदर डालेंगे हम चना दाल। तो मूंगफली थोड़ा से चटक गए हैं, देख रहे हैं आप, बस और इसे हमें 2 मिनट भूनना है चना दाल के साथ। चना दाल को हमने पहले नहीं डाला, क्योंकि पहले डालते तो चना दाल जल सकता था, इसके जो छिलके हैं इजीली निकल जाते हैं। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इस तरीके से रब करके इसके छिलके को हम निकाल सकते हैं। छिलके काफ़ी इजीली निकल जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे साफ़ हो गया है मूंगफली अच्छे से। तो इसे अब भिगा देते हैं कुछ समय के लिए। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट चटनी बना सकते हैं, बट भिगा देने से चटनी स्मूथ बनती है। अब यहाँ पे बैटर को देख लेते हैं। इसे 15 मिनट हो गया है और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी थिक हो गया ये। तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, 1/4 कप इसमें पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हल्का हल्का पानी डालते हुए इसे हम थोड़ा पतला करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है। तो ये बैटर को हमें बस ऐसा रखना है जैसा आप देख रहे हैं। इसके अंदर हमें डालना है इनो। तो एक हमने सैचे इनो का लिया है, ये लगभग 1 चम्मच है, इसको डाल देंगे। कुछ बूंदे पानी की डालेंगे इसके ऊपर और इन्हें मिला लेंगे। तो जेंटली हमें इन्हें आराम आराम से चलाते हुए मिलाना है। तो अब यहाँ पे ये बैटर जो है रेडी हो गया है। अब एक हम इडली के लिए बर्तन लेंगे, इसके अंदर मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है। 1 छोटा सा नींबू का टुकड़ा डाल देंगे ताकि ये बर्तन काला ना पड़े। ये जब तक गर्म हो रहा है हम इसके अंदर इडली को लगा लेते हैं। तो ये जो फ्रेम है इडली का, इसको ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हमें बैटर डालना है। थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर तक हमें नहीं भरना है। इस तरीके से सारे इडली को हम फ्रेम में लगा लेंगे। यहाँ पे जितनी भी प्लेटें हैं सब में लगा लेंगे। तो टोटल यहाँ पे मेरे पास 5 प्लेटें हैं। तो यहाँ पे 20 इडली एक साथ बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पे स्टैंड जो हमारा है वो तैयार हो गया है। तो इन्हें हम पकने के लिए रख देते हैं। 15 से 20 मिनट इन्हें हमें पकाना है। फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है। 15 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे एक बार। अभी ये इडली अच्छे से हुआ नहीं है, तो 2-3 मिनट और पकाकर इसे बंद कर देंगे। यहाँ पे जो मूंगफली को हमने सोक किया था उसे निकाल लेते हैं, एक जार में डालेंगे। और यहाँ पे डाल देंगे 4 कलियाँ लहसुन के, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का डाल देंगे और नमक डाल देंगे। इसके अंदर डाल देंगे 1/4 कप पानी। पानी को हमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, पीसते हुए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। जितना आपको पतला रखना है चटनी को या थिक रखना है उस हिसाब से आप पीस लेंगे। तो ये आप चटनी को देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ बनकर रेडी हुआ है। इसमें आप तड़का लगा देते हैं। तो एक कढ़ाई गर्म किया है मैंने, इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच कोई सा भी ऑयल डाल लेंगे। सरसों तेल नहीं ऐड करना है, उसके अलावा कोई भी तेल डाल सकते हैं आप इसके अंदर। काला राई डालेंगे इसके अंदर बड़ा वाला, 2 लाल मिर्च, कड़ी पत्ता डाल देंगे। जैसे ही जल जाता है फ्लेम को ऑफ करेंगे और चटनी को इसके अंदर डाल देंगे। हमें इसे पकाना नहीं है, अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा इमली, अगर आपको पसंद है इसके साथ खाना इमली का पल्प, तो थोड़ा सा 1 चम्मच इमली का रस या उसका जो पल्प निकलता है उसे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो इडली है वो ठंडा हो गया है, तो इसे निकाल लेते हैं। ये काफ़ी इजीली निकल जाता है, तो इसे चेक कर लेते हैं। ये काफ़ी
अच्छे से बनकर रेडी हो जाता है। देख सकते हैं आप, अंदर से जाली जाली सा बना हुआ है। तो चलिए अभी इसे सर्व कर लेते हैं। इसके साथ आप चटनी, सांभर कोई भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी कैसी लगी मुझे बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।